अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आतिफ नवाब और आप देख रहे हैं नवाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का मकसद डेवलपमेंट ऑफ I-15 सब सेक्टर है जो I-15 के, उसके बारे में आपको अपडेट देनी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि I-15 में जो भी काम होगा हम लम्हा बलम्हा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग भी उसी टॉपिक पे है, I-15 के में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको बताना है। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। उसके बाद कुछ दोस्तों ने कल पूछा था स्ट्रीट नंबर 27, स्ट्रीट नंबर 28A और 27A के बारे में, उसके बारे में भी आपको बता देंगे और जो जो काम हो रहा है उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आपको दिखा भी देंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि इधर सीवरेज का काम हो रहा है स्ट्रीट नंबर 28C पे। उसके बाद जो स्ट्रीट नंबर 33, स्ट्रीट नंबर 32 और स्ट्रीट नंबर 34 पे फिलिंग हो रही है, वो सब बेस लेवल तक करेंगे, उसके ऊपर फिर सब बेस करेंगे और बेस करेंगे सब ग्रेड लेवल तक। आज फिलिंग हो जाएगी इंशाल्लाह और एक दो दिन में जो है इसकी फिलिंग भी हो जाएगी बेस और सब बेस की। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 28A पे काम हो रहा है। कल एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि स्ट्रीट 28A पे कब काम शुरू होगा, तो स्ट्रीट 28A पे कल से काम शुरू है और अभी भी काम हो रहा है, वहाँ पे कटिंग हो रही है, वो भी आपको दिखा देंगे। बाकी स्ट्रीट नंबर 27A और 28 पे जो है काम इंशाल्लाह वो भी जल्द शुरू होगा, क्योंकि हमने प्लानिंग इंजीनियर से पूछा था तो वो बता रहे थे कि जो नेक्स्ट 56 डेज का प्लान है उसमें ये शामिल हैं गलियाँ, और इंशाल्लाह ये जो है ना चंद ही दिनों में इनका काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो काम शुरू होगा वो भी आपको दिखाएंगे और जो काम अभी हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं साइड पे, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी जो हम खड़े हैं ये स्ट्रीट नंबर 32 पे खड़े हैं। स्ट्रीट नंबर 32 पे आप देख रहे हैं फिलिंग हो रही है, हो चुकी है, इसको स्प्रेड कर दिया गया है। अभी ग्रेडर आएगा, वो इसको सही लेवल पे करके इसकी सफाई वगैरह लगा के उसके ऊपर रूला चलेगा। उसके बाद इसको लेवल करके इसके लेवल चेक किए जाएंगे, लेवल अगर पास हो गए तो इस पर FDT लगाया जाएगा, FDT टेस्ट अगर पास हो गई तो इसके ऊपर फिर सब बेस का माल डाल दिया जाएगा। ये फाइनल लेवल है इसका, तो इसके ऊपर अभी सब बेस होनी है फिर बेस होनी है। बाकी सेवरेज ड्रेनेज जैसे पीछे 27-28 वाली गलियां क्लियर हो जाएंगी तो इधर आ जाएंगी। इसके साथ अभी आपको ये भी दिखाएंगे जो स्ट्रीट नंबर 33 पे फिलिंग हो रही है, वहाँ पे अभी फिलिंग हुई नहीं, वहाँ फिलिंग जारी है, वहाँ फिलिंग हो रही है, वो भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद स्ट्रीट नंबर 34 वहाँ पर भी फिलिंग हो रही है, वो भी आपको दिखाएँगे। तो चलते हैं साइड पर और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुकम्मल अपडेट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट मिल सके कि I-15 में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को आखिर देखिए। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों तो अभी हम खड़े हैं स्ट्रीट नंबर 28B पे, आप देख रहे हैं पीछे मशीन लगी हुई है
यहाँ इसकी कटिंग कंप्लीट है सब ग्रेड लेवल तक, बाकी ये जो जो मतलब के कुछ सूत्रों का है कुछ इंचों का फर्क है वो अभी बराबर काम कर रहे हैं लेवल पे कर रहे हैं, वो लेवल हमारे सर्वे लगे हुए पीछे वो भी आप देख सकते हैं अभी कटिंग हो रही है लेवल के मुताबिक। जैसे ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर सब बेस होगा फिर बेस होगा, तो इसके बाद हम आपको 28 ए पे भी लेके जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे वहाँ काम चल रहा है, तो चलते हैं 28 ए पे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या। जी हाँ गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्ट्रीट नंबर 28 ए पे, ये स्ट्रीट नंबर 28 यही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, मशीन लगी हुई है, दो डंपर लगे हुए हैं। असल में यहाँ पे हार्ड एरिया था, रात था, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ है, बाकी इंशाल्लाह अभी ये काम शुरू हो गया है तो जल्द से जल्द इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा, ये तकरीबन सब ग्रेड लेवल पर पहुँचने वाला है, एक दो दिन और लगेंगे उसके बाद फिर इसका सेवरेज ड्रेनेज होगा, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट जुलाई में जो है हैंड ओवर करना है सीडीए के, तो पीछे दिन भी थोड़े बच गए इसलिए अभी काम को ज़ाहिर है स्पीड भी देना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम कंप्लीट हो जाएगा जून जुलाई तक, तो जैसे जैसे जो काम होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक दें हमें इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह ने कहा। I'm floating through the air.